चलिए दोस्तों, यहाँ बड़ी शख्सियत हैं और खासतौर से वो शोरा के जो उस फहरिस्त पर शामिल होते हैं जो ज़रूरत न सिर्फ हिंदुस्तान की है बल्कि हिंदुस्तान के बाहर की। यहाँ पर फिल्मी शख्सियत भी मैंने जिक्र किया, एक ऐसा ही नाम कि जिनका जिक्र अदाकारी के ताल्लुक से और फिल्म के जो दूसरे शोबे हो सकते हैं वो बार बार होता रहा, जो ये नाम राकेश बेदी साहब का है। लेकिन राकेश बेदी साहब बहुत अच्छे शायर भी, एक शायर के तौर पर इस वक्त हम उनको ज़हमत सुखन देना चाहते हैं। राकेश बेदी साहब ने ड्राइंग रूम में बैठकर जिंदगी का तमाशा नहीं देखा है बल्कि हमारे समाज के जो झमेले हैं उसमें वो खुश शामिल होते हैं और उसको अपनी शायरी का और अपने लफ्ज़ों का हिस्सा बनाते हैं। यही वजह है कि उनकी शायरी हमें अपने दिल के करीब महसूस होती है। मैं उनसे आप सबकी जानिब से गुजारिश कर रहा हूँ, तशरीफ लाए राकेश बेदी साहब। इंतहाई सम्मान के साथ, आदर के साथ मैंने आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं कोई शायर वायर नहीं हूं, ये नजर भाई की नजर इनायत है। ना कोई तखल्लुस है मेरा, ना कोई मेरा नाम है। वाह। ना कोई तखल्लुस है मेरा, ना कोई मेरा नाम है, अगर दिल तक पहुंचे तो समझना ये मेरा ही कलाम है। एक नज़्म पेश करता हूं। सोचता हूं दोस्तों की इनायतों के बाद ये बहुत हो, सोचता हूं दोस्तों की इनायतों के बाद ये, जलजले कमजोर थे या मेरा घर पुरजोर था। वाह। क्या सोचता हूं दोस्तों की इनायतों के बाद ये, जलजले कमजोर थे या मेरा घर पुरजोर था। वफा इनायत करम नवाजिश प्यार और मेहरबानियां, वफा इनायत करम नवाजिश प्यार और मेहरबानियां, गुजरे वक्तों में सुना है बस इन्हीं पे जोर था। वाह। देख कर बेरुखी ये साकी कहना ही मुझको पड़ा, देख कर बेरुखी ये साकी कहना ही मुझको पड़ा, ले गया जो जान तुमसे मैं नहीं कोई और था। शेर सुनिए, खा रहा है दिन ब दिन जमीर मेरा ये शहर, खा रहा है दिन ब दिन जमीर मेरा ये शहर, देखा था कल जो आईने में शख्स वो कोई और था। बहुत हो। आखिरी शेर सुनिए, गजल का, फिर से पलटा मजलिस से अहले सियासत से उदास, फिर से पलटा मजलिस से अहले सियासत से उदास, चश्म लब खामोश थे पर दिल के अंदर शोर था। चलिए, अब सब लोगों ने बड़ी कुछ सीरियस बातें की हैं, मैं थोड़ा सा हंसा दूं आप लोगों को। मैंने शेर लिखे हैं ऐसे लम्हात पे जो इतने महीन होते हैं, इतने छोटे, इतने बारीक होते हैं कि हम उनसे गुजर तो जाते हैं पर कागज पे लाते नहीं जी। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लम्हे होते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, तो मैंने इन चीजों को कुछ कोशिश की है। जी करता उनके तमाम नाजो नखरे में उठा लू, जी करता उनके तमाम नाजो नखरे में उठा लू, इजाजत दे तो उनकी जुल्फें अपने शानों पे गिरा लू। उनके मिजाज है मानिंदे मौसम ठंडे और गर्म, उनके मिजाज है मानिंदे मौसम ठंडे और गर्म, समझ नहीं आता आज कोट उतारू या डालू। वक्त रुखसत मैं तो बस सोचता ही रह गया, वक्त रुखसत मैं तो बस सोचता ही रह गया, ये जेब में हाथ डालू या आगे बढ़कर मिला लू। वक्त रुखसत मैं तो बस सोचता ही रह गया, ये जेब में हाथ डालू या आगे बढ़कर मिला लू। ये शेर सुनिए, आप सब लोग इससे इत्तेफाक करेंगे कि तबीयत नासाज हो अगर तो भी हर रिंद यही सोचेगा, तबीयत नासाज हो अगर तो भी हर रिंद यही सोचेगा, आज शाम को जाम में बर्फ डालू ना डालू, आज शाम को जाम में बर्फ डालू ना डालू, इतना यकीन है वो आंखों से मुझे पिला ही देंगे, खाने के लिए रास्ते में रुकू कुछ उठा लू। वाह। जब छोटा था तो बड़ा रोड पड़ा देखकर यही सोचा, देखिए यहां से सब गुजरते हैं, जब छोटा था तो एक बड़ा लोट पड़ा देखकर यही सोचा, इसे मेज के लिए सरका दूं या अभी जेब में डालूं। क्या सरे महफिल उनका पल्लू जो सरका तो मैं परेशान हो गया।
सरे मैं खुद उनका पल्लू जो सरका तो मैं परेशान हो गया, अब जो देख रहे हैं उनसे निपटू या खुद को संभालू। अशेष नहीं है, उनकी हर बात पे हर रोज ये ख्याल आता है मुझे, उनकी हर बात पे हर रोज ये ख्याल आता है मुझे, ये रिश्ता यही तोड़ दूं या तोड़ कर निभा लूं। उनकी हर बात पे हर रोज ये ख्याल आता है मुझे, ये रिश्ता यही तोड़ दूं या तोड़ कर निभा लूं। आखिरी पैक बचा है और ये दिन बुलाया आ गया। ऐसा भी होता है जिंदगी में, आखिरी पैक बचा है और ये दिन बुलाए आ गया, बोतल मेज पे ही रहने दूं या नीचे कहीं सरका दूं। चलिए अब मैं एक चीज हमारे दुनिया से आजकल जमाने से एकदम गायब हो गई है, लुप्त हो गई है, वो है वन साइडेड मोहब्बत। है सर, एक तरफा जो मोहब्बत थी वो अब कहीं गायब हो गई है, चली गई है, क्योंकि ऑनलाइन सब चीज इतनी अवेलेबल है, हर चीज यू नो नए नए ये शुरू होते हैं, खत्म होते हैं, फिर होते हैं, फिर खत्म होते हैं। तो ऑनलाइन जो एक वन साइडेड मोहब्बत हुआ करती थी एक जमाने में, जिसको हम सब ने देखा है, शायद गुजरे भी हो वहां से, तो उसके ऊपर मैंने कुछ कहा है। देखिए, जहन से मिटा दिया जहन से मिटा दिया तो कोई बात नहीं, आंख से गिरा दिया तो कोई बात नहीं, गिला तो ये है कि इतना की दी तो रकीब ने, मुझको घर बुला दिया तो कोई बात नहीं। पैरों में पड़े रहते हम तो ऐसी चीज है, ताउम्र साथ निभाते हम ऐसी चीज है, नाजो नगरे भी उठाते हम ऐसी चीज है, बेदर्दी से ठुकरा दिया तो कोई बात नहीं। जिन्होंने इश्क तुम मेरा आजमा तो लेते, आईने को नाम मेरा तुम बता तो देते, अपनी दास्ताने इश्क को कुछ हवा तो देते, मिलने से पहले ही दोहरा दिया तो बेटा नहीं। याद करो कहा था कि भूल ना पाऊंगी, जिस रात पे चलोगे मैं फूल बिछाऊंगी, टूटा दिल का साथ तो मैं मर ही जाऊंगी, मुझको ही पहले मार दिया तो बेटा नहीं। बहेंगे तुम्हारे अश्क तो पी लूंगी मैं, जख्म घर लगे तो उनको सी लूंगी मैं, बुलाए अपने सर तुम्हारे पी लूंगी मैं, अगर वादा हर एक बुला दिया तो कोई बात नहीं। तुमने कहा था तुम्हारी खातिर नई गाड़ी दी है, नई गाड़ी की हर किश्त तो मैंने ही दी है, फिर भी उसने गरीब को सवारी ना दी है, किसी और को साथ बिठा लिया कोई बात। वादा शादी तुमने मुझसे को किया था, साथ निभाने का अहद मुझसे को किया था, वरमाला का वो हार मेरी खातिर तो लिया था, किसी और के गले में डाल दिया तो कोई बात नहीं। शादी पे जो बुलाया तो हम भी पहुंच गए, शादी पे जो बुलाया तो हम भी पहुंच गए, भूखे घर से गए थे भूखे ही वापस गए, लिफाफे में दिल डालकर हम मंच पर भी गए, लिफाफे में दिल डालकर हम मंच पर भी गए, उनसे भाई कह के मिलवा दिया।